नमस्ते दोस्तों, जयपुर जायका में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, त्योहारों का सीजन आ रहा है तो कुछ मीठा बनाया जाए। तो मैं आज बनाऊंगी मोतीचूर के लड्डू। बहुत आसान रेसिपी और टेस्टी तो सभी को लगते हैं, बस थोड़ा सा इसमें परफेक्ट नाप की बात होती है कि आप कितना पानी, चीनी और बेसन लें। तो आज मैं आपको बिल्कुल परफेक्ट नाप से ये बताऊंगी कि आपको किस तरह बनाना है। तो आप सिर्फ 200 ग्राम बेसन से 1 किलो लड्डू बना लेंगे। तो आइए बनाते हैं इसे। आप बस थोड़ा सा मेज़रमेंट का ख्याल रखें कि कितना क्वांटिटी में कौन सी चीज़ लेनी है, तो बहुत ही परफेक्ट लड्डू बनेंगे। तो ये देखिए, इसके लिए मैंने कप से नापकर दो कप बेसन लिया है और 2 कप ही चीनी लिया। अगर आप कटोरी से भी नापते हैं तो ऐसा ही करें, 2 कटोरी बेसन लें और 2 कटोरी चीनी लें। और अगर आप वजन से करते हैं तो आप 200 ग्राम बेसन लें और उसमें 400 ग्राम आपको चीनी लेनी है, जस्ट डबल उसकी। तो देखिए, एक बाउल में हम ये बेसन डालेंगे। तो ये 200 ग्राम बेसन है या 2 कटोरी या 2 कप। तो इसमें हम पहले थोड़ा पानी डालेंगे और एक बैटर बनाएंगे और फिर थोड़ा थोड़ा करके हम बाद में सारा पानी डालेंगे। तो इसमें मैंने देखिए लगभग 600 ml पानी डाला है। और अगर आप कटोरी से नापते हैं तो 2 कटोरी बेसन में 3 कटोरी पानी डालें और कप में भी 2 कप में आप 3 कप पानी डालें और थोड़ा सा कलर डालें अगर आप डालना चाहें तो। और इस तरह से आप एक पतला बैटर बना लें। तो देखिए इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से गिरता हुआ ये पतला बैटर बनेगा। तो आप इसके परफेक्ट ये नाप का ध्यान रखें कि कितना आपको पानी डालना है। तो ये देखिए, बूंदी बनाने के लिए आप ये इस तरह का एक झारा खरीद लें। तो ये महंगा नहीं आता है, आप ये खरीद लें, हमेशा काम आता है। अगर इससे बनाएंगे तो बहुत अच्छी बूंदी बनेगी। और इस तरह का आप एक स्टैंड तैयार कीजिए, डब्बे रख लीजिए या जो भी आपके पास सामान हो। और देखिए, इस तरह टैप हो सके ऊपर से तो कढ़ाई से ये ऊंचा रहे, इस तरह का स्टैंड आप तैयार करें। पास करेंगे तो बहुत अच्छी बूंदी नहीं बनेगी, तो आप बिल्कुल ऊंचे रख के स्टैंड तैयार करें इसका, ताकि आप इजीली टैप कर पाएँ। और तेल गर्म होने पे आप देखिए इसमें थोड़ा घी डाल दीजिए, उससे बहुत अच्छा घी का फ्लेवर आएगा। और आप चाहे तो पूरा ही घी या तेल में बना सकते हैं। तो आप पहले गैस को अच्छे से तेल को गर्म कर ले हाई करके, बाद में मीडियम फ्लेम कर दीजिए। तो देखिए, झारे को इस तरह तेल से ऊँचा रखना है हमें। और ऐसे फैलाते हुए बूंदी के लिए आप बैटर डालेंगे और टैप करते रहेंगे तो बहुत अच्छी बूंदी बनेगी। थोड़ी थोड़ी झड़के बहुत अच्छी बूंदी आएगी। टैप ज़रूर करें आप इसको और एक साथ ज़्यादा बैटर ना डालें उसमें। तो देखिए कितने अच्छे मोती जैसे दाने बने हैं। और आप थोड़ी थोड़ी ही बूंदी बनाएं और इसको हमें 1 मिनट के अंदर ही निकाल लेना, उससे ज़्यादा कुक नहीं करना है। तो ये देखिए, 1 मिनट के अंदर ही कितनी अच्छी बूंदी तैयार हुई है, लगभग 40 से 50 सेकेंड में ही। इसे हम निकाल लेंगे, मैं आपको एक बार और बनाकर बताती हूँ। तो ऊंचाई से देखिए, आप झारा रखिए और बैटर डालिए और इस तरह से टैप कीजिए और थोड़ा थोड़ा ही बैटर डालें तो अच्छा रहेगा। और टैप करते रहिए लगातार। ये देखिए कितने अच्छे बिल्कुल छोटे छोटे दाने बने हैं। और इसको फिर से वही 40 से 50 सेकंड में 1 मिनट के अंदर आप इसको निकाल लीजिए। तो ये देखिए, बहुत अच्छी बूंदी हमारी बन के तैयार हो रही है। ये देखिए, बहुत बारीक दाने निकले हैं, छोटे छोटे दाने हैं। तो इस तरह से हम डालते हुए ये सारी बूंदी तैयार कर लेंगे। तो आइए चाशनी बनाते हैं। तो मैंने 400 ग्राम चीनी ली है और इसमें हम 200 ml पानी डालेंगे। अगर आप 2 कप चीनी लेते हैं तो 1 कप पानी डालें, और अगर 2 कटोरी लेते हैं तो 1 कटोरी पानी डालें, आधी डालनी है। तो देखिए, मैंने सारी बूंदी तैयार कर ली है, इतनी सारी बूंदी बनी है। और अभी जब इसे चाशनी में डालेंगे तो ये और सोक करके सॉफ्ट हो जाएगी और थोड़े थोड़े बड़े दाने भी हो जाएंगे। 200 ग्राम बेसन से हमने इतनी बूंदी रेडी कर ली है। तो आइए इसकी अब हम चाशनी बनाते हैं। तो ये देखिए, चाशनी को हमें बॉईल करने के लिए चढ़ाना है। और अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा दूध डाल के इसको साफ़ कर सकते हैं, ताकि चलनी से निकाल लें, उससे गंदगी निकल जाएगी झाग में इसकी सारी। अब इसको हमें बॉईल होना है, करने देना है। और उसके बाद एक गाढ़ी चाशनी, मतलब थोड़ी सी थिक करनी है, एक तार जितना थिक नहीं करना है, बस इस लेवल पर गाढ़ी लाना है आपको इसको। तो आप कलर डाल दीजिए इसमें, और क्रिस्टलाइजेशन ना हो उसके लिए थोड़ा सा लेमन वाटर डाल दीजिए। तो ये देखिए, इस तरह की चिपचिपी चाशनी बनानी है, बहुत गाढ़ी नहीं करनी। और अगर आपको केवड़े का फ्लेवर पसंद है तो आप इसमें केवड़ा एसेंस की 2-4 बूंदें डाल दीजिए। और ये चाशनी हमारी रेडी हो गई है। एक तार से पहले की स्टेज की चाशनी बनानी है। अब इसमें हम बूंदी डालेंगे और गैस को यहाँ हम बंद नहीं करेंगे, और इसे अच्छे से मिला देंगे और थोड़ा सा बॉयल होने देंगे 2-4 मिनट के लिए। तो ये मैंने थोड़े से खरबूजे के बीज रोस्ट किए हैं, इन्हें भी हम डाल देंगे। आप काजू डालें या फिर कुछ भी ना डालें इस तरह से, और इन्हें अच्छे से मिला लेंगे बॉईल आने तक। और अब देखिए, इसे हम लगभग आधा से पौन घंटा ढककर रख देंगे, तो ये सारी चाशनी सोक कर लेगा। ये देखिए,
पौन घंटा हो गया और कितने अच्छे से बूंदी ने सब कुछ सोख कर लिया चाशनी को और एक एक दाना खिल गया, बहुत सॉफ्ट बने हैं और बिल्कुल परफेक्ट नाप था, सारी चाशनी सोख हो गई है। तो आप देखिए इस तरह से हाथ में बैटर लीजिए थोड़ा सा ये, और बहुत हल्के हाथों से आपको इन्हें दबाना है, मतलब प्रेशर बिल्कुल नहीं डालना है, बहुत ईजीली ये लड्डू बन जाते हैं। तो प्रेशर बिल्कुल नहीं डाले, बिल्कुल हाथ में गोल गोल घुमाते हुए लड्डू आप रेडी कर लीजिए, बहुत आसानी से बन जाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से लड्डू आप तैयार कर लेंगे, बहुत अच्छे लड्डू बने हैं, बहुत ही सुंदर हैं, बहुत ही टेस्टी है। मैं एक तरीका और बताती हूँ आपको लड्डू बनाने के लिए, आप इस तरह हाथ में लेके गोला बनाएं और दोनों हाथों में इस तरह आप बारी बारी से डालेंगे तो बहुत ही अपने आप ही अच्छे से बिल्कुल गोल लड्डू वाली शेप आ जाएगी इसकी। तो ये देखिए लड्डू बनकर तैयार हो गया। तो ये देखिए मैंने 200 ग्राम बेसन और 400 ग्राम चीनी से 1 किलो से भी ज़्यादा लड्डू तैयार किए हैं, बहुत ही टेस्टी बने हैं। तो आप कोई भी त्यौहार हो, घर में बच्चों का बर्थडे हो, आप ये लड्डू घर में ही बनाइए, टेस्टी होते हैं, हम बहुत सफाई से बनाते हैं तो अच्छे होते हैं। तो इस तरह से आप ये लड्डू बनाइए, और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ये देखिए मैंने एक लड्डू, मैं आपको तोड़कर बताती हूँ, इसका एक एक दाना देखिए अंदर से, बहुत ही अच्छा लड्डू बना है।